Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for UGC NET Economics exam paper 2. In this video, we are going to cover most important questions for your UGC NET Economics for your statistics subjects. We have already covered microeconomics, macroeconomics and your econometric subject. तीनों को मैंने ऐसे ही कवर किया है, स्पेशली इकोनोमेट्रिक्स वाली वीडियो को, कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं से रिवाइज हो जाए और आप एक टेम्परमेंट भी डेवलप कर लें कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि एक गिवन क्वेश्चन में जितने भी आगे पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एट लेंथ मैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकती हूँ आपसे, यहाँ पे वही करती हूँ ताकि आपके रिवीजन यहीं से हो जाए और अगर आपकी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें कोई गैप्स रह गए हैं वो भी यहीं से फिल हो जाए। सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। तो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, सैम्पल, मीन, नन ऑफ द अबव। सो लेट्स डिस्कस पैरामीटर ओनली। इस तरीके के जो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि आप ताकि आपके बेसिक्स टेस्ट हो पाए, तो हम इसीलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे रिलेटेड टू योर पैरामीटर। अब पैरामीटर इज अ समरी ऑफ नंबर लाइक एवरेज और परसेंटेज दैट डिस्क्राइब द एंटायर पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एस्टिमेटर या पैरामीटर जो होता है दैट इज योर पैरामीटर, और वो पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन होते हैं आपके पैरामीटर से। अब पैरामीटर किसी भी तरीके का हो सकता है, फॉर एग्जांपल योर अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ऑल दीज आर योर पैरामीटर। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि पैरामीटर कौन सा है इसमें, तो आपका आंसर मीन हो जाता। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पैरामीटर किसके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव बीन आंसरिंग द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये रिलेशन दिए हैं स्क्यूनेस से रिलेटेड। हम स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट को ही एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इट रेफर्स टू लैक ऑफ सिमेट्री। कोई भी अगर लैक ऑफ सिमेट्री है अगर आपके मॉडल में, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। अब जो स्क्यूनेस अगर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आपके जो बी पार्ट है इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है इस नॉर्मल कर्व में, क्योंकि योर मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपका मीन अर्थमेटिक मीन है जिसमें आप पॉपुलेशन के समेशन को, ऑब्जर्वेशन के समेशन को सैम्पल साइज से डिवाइड करते हो। मीडियन इज द नंबर विच कम्स इन द मिडल एंड मोड इज द नंबर और द ऑब्जर्वेशन दैट इज रिपीटेड मोस्ट इन द सैम्पल। तो मोड तो आपको ये एस्टिमेट दे रहा है कि ये वाला नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है आपकी ऑब्जर्वेशन में, और मीडियन आपको बीच की वैल्यू देता है, और मीन आपको देता है कि एवरेज क्या है आपके पूरे के पूरे सैंपल की। ये अगर एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही जगह पे लाइन करते हैं, तो वहां पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, आपका मॉडल जो है दैट इज कम्प्लीटली सिमेट्रिकल। पर ऐसा हो सकता है दैट योर मॉडल इज नॉट सिमेट्रिकल, तब हम कहते हैं उसको स्क्यूनेस आई हुई है आपके मॉडल में। दैट कुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड फ्रॉम दीज टू ग्राफ्स। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज योर नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस में आपका जो मीन है दैट इज लीस्ट, मीडियन इज ग्रेटर देन दैट एंड मोड इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो वी कम टू नो कि हमारे मॉडल में अगर ये रिलेशन आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, और पॉजिटिवली स्क्यूड होने के लिए योर मीन इज द ग्रेटेस्ट एंड योर मोड इज द स्मॉलेस्ट, एंड अगेन मीडियन आपका बीच में ही आ रहा है। सो दीज टू ग्राफ एक्सप्लेन योर स्क्यूनेस कम्प्लीटली। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये पता चल गया है कि क्वेश्चन में पॉजिटिवली स्क्यूनेस पूछ रहे हैं, तो आपका मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए,
और आपका जो मोड है दैट शुड बी स्मॉलेस्ट, जो कि है आपका सी पार्ट में. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. कीप आंसरिंग इन द चैट बॉक्स योर करेक्ट आंसर. Which of the following is the tool for the measure of the variation of the items? So, आपको ये पता है कि मोड क्या है और मीन क्या है. ये आपके पैरामीटर्स थे आपके जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड और ये आपको पॉपुलेशन के बारे में एक एवरेज दे रहे थे. बट दीज आर नॉट अ मेजर ऑफ योर वेरिएशन. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. हाइपोथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं. हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिना. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जब प्राइजेस इंक्रीज करते हैं तो जो क्वांटिटी है वो फॉल करते हैं. दिस इज योर हाइपोथेसिस और आप इसको अपने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल है उससे टेस्ट करते हो. सो दिस इज योर हाइपोथेसिस एंड योर डिस्पर्जन is the only measure of variation or relative measure of dispersion. So all the others जो भी हमने discuss किए हैं, hypothesis, mean और mode जो भी आपके question में थे, they are a measure of central tendencies. But dispersion को ही discuss कर लेते हैं. A, B, C ये तीन level of dispersions दिखाती है आपको. Dispersion को आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे से इन graphs से समझ पाएंगे कि इस डेफिनेशन को तो हमने समझ लिया, लेकिन व्हाट इज द यूज इन माय नॉर्मल टर्म्स, नॉर्मल मॉडल में इसका क्या यूज हो रहा है. सो जो आपका सी ग्राफ है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. तो ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से एज कंपेयर टू योर ग्राफ बी एंड योर ग्राफ ए, आपका जो सी है उसमें डिस्पर्जन इज द ग्रेटेस्ट और बी मिडल में है आपका बी का डिस्पर्जन एंड द डिस्पर्जन इज लीस्ट इन योर ग्राफ ए. सो दिस गिव्स यू अ डिस्टेंस फ्रॉम योर सेंट्रल टेंडेंसीज. सो दैट इज कॉल्ड योर डिस्पर्जन. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द टूल ऑफ द मेजर ऑफ वेरिएशन, हमें पता चल गया वेरिएशन क्योंकि हम देख रहे हैं. तो द करेक्ट आंसर इज डी, डिस्पर्जन. आई होप आप अपने आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने मार्क्स आप अभी तक स्कोर कर रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, कंप्लीटनेस, सफिशियंसी, एफिशिएंट और अनबायसनेस. इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सो अनबायस्ड आपका स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ऑफ अ गिवन पैरामीटर व्हेन द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक कैन बी शोन इक्वल टू द पैरामीटर्स बीइंग एस्टिमेटेड. अगर पॉपुलेशन का जो भी आपको पैरामीटर को एस्टिमेट करना है उसकी और आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो आपका स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मीन आपके पॉपुलेशन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर पाता है, देन दैट गिव्स यू अ अनबायस्ड एस्टिमेटर. कोई भी आप सैम्पलिंग निकाल रहे हैं आपका गोल यही है कि आप पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कर पाओ. इफ योर सैंपल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर पॉपुलेशन देन द एफर्ट टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन इज फ्यूटाइल. आप सैंपल निकाल रहे हो, आप इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हो कि आप 200,000 लोगों को फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट करना है और उसमें से आप कोई सैंपल निकालते हो टू एस्टिमेट योर पॉपुलेशन और आपका जो सैंपल है वो अनबायस्ड नहीं रहता, तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन योर पॉपुलेशन इटसेल्फ. आप क्योंकि सैम्पल एक एस्टिमेट रहा ही नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है आपके पॉपुलेशन का, तो योर बायसनेस विल कम इन टू प्ले एंड द मॉडल विल फेल. तो आपको आपका मॉडल हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशियंसी, रेफर्स टू द सैम्पलिंग वेरिएशन ऑफ द एस्टिमेटर. If two competing estimators both unbiased, the one with the smaller variance gives the relatively more efficient. आपने दो samples निकाल ले same population में से और एक आपका जो sample है वो कम variance के साथ, मतलब कम dispersion के साथ आपको आपके answer दे रहा है population का. इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा accurate है. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो मेरा estimator है उसकी वैल्यू आ रही है 5 और आपका जो पॉपुलेशन है उसका जो मीन है जिसको मैं देख रहा हूँ
उसमें से मुझे वैल्यू कुछ मिल रही है 6 की, एक आपके मीन मिल रहा है आपके सैंपल में से 5 का, और दूसरे सैंपल में से मिल रहा है मीन 5.5 का. तो ये जो 5.5 वाला है दैट इज एक्सप्लेनिंग योर पॉपुलेशन मोर एफिशिएंटली. और अगर ऐसा है कि ये 5.5 वाला जो मॉडल है इसके अंदर बाकी जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है वो भी इसके नियर अबाउट है, 6 के नियर अबाउट है, देन इट इज मोर एफिशिएंट. सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से विद एफिशिएंसी कि वेरिएशन कम है आपके पॉपुलेशन से. यही आपका एम रहता है पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करने का. यही स्टैटिस्टिक्स की पूरी क्वालिटी है कि आप अपने लिमिटेड एफर्ट से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को टेस्ट करते हो. नेक्स्ट इज योर कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपके हर वाई आई और एक्स आई की वैल्यू आपको मिलेगी. ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है मतलब कंप्लीटनेस नहीं होगी तो आपके पास ब्रेक्स आएंगे. मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ वाई आई के लिए आपके पास एक्स आई की कोई भी वैल्यू ना हो. अगर ऐसा नहीं है इवन देन यू वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज योर पॉपुलेशन एस्टिमेट. तो कंप्लीटनेस इज नॉट अ सिचुएशन, इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर योर गुड एस्टिमेटर. सो वी नो कि द करेक्ट आंसर इज ए, कंप्लीटनेस इज नॉट नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर गुड एस्टिमेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स डिस्क्रिप्शन इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. द इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन इज द मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. सो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. कार्ल पियर्सन ने आपको जो स्क्यूनेस हम डिस्कस करके आए हैं उसको टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस किया था, ये फॉर्मूला जिसको उन्होंने बाद में स्क्यूनेस को का एक पैरामीटर भी एक्सप्लेन किया है. और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, और दिस इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग टू इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज 100% करेक्ट. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मीन मीडियन और मोड में एक रिलेशनशिप रहता है इन आर स्क्यूनेस पार्ट. नेक्स्ट इज योर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन. मेजर ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डेटा सेट. कुटोस इज रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ पिकेडनेस इन द रीजन अराउंड द मोड ऑफ द फ्रिक्वेंसी कर्व. तो कुटोसिस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जो कुटोसिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज योर ग्राफ 1 इसको कह लेते हैं. ये जो है दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे अगर कम है और डिस्पर्जन ज्यादा है आपके ग्राफ का जैसे इस सेकेंड ग्राफ में तो दिस इज योर नेगेटिव कुटोसिस. और जो आपका थर्ड ग्राफ है जिसकी इतनी ज्यादा पीक है इसको पॉजिटिव कुटोसिस कहते हैं. इसका मतलब कुटोसिस क्या हो गया, इट इज अ एक्सटेंट ऑफ पिकेडनेस ऑफ योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो दिस इज योर कुटोसिस. नेक्स्ट इज योर कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द ओनली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ योर डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट मेजर तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. आप इसमें एक मीन का एक फैक्टर जोड़ दे रहे हैं. सो दिस इज नो लॉन्गर एन एब्सोल्यूट मेजर. मीन इज ए अ रिलेटिव टर्म, और वो क्योंकि आप कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन में जोड़ दे रहे हैं तो द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑल्सो बिकम्स अ रिलेटिव टर्म. सो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म. सॉरी, सो बी इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज बी. आई होप यू आर answering in chat box. The next question is second quartile is equal to 5th decile and 5th percentile is equal to what? Your mean, geometrical mean, or your mode or your median. So let's discuss your quartile system. So jo median hota hai that is your 50th percentile. Smallest value se shuru karte hain, that is your minimum. 25th percentile
आप तब पहुंचते हो जब आप 25% ऑफ योर सैंपल को कवर कर चुके होते हो, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर फर्स्ट क्वार्टाइल. आफ्टर दैट व्हेन यू कवर मोर 25%, इस 25% के बाद यू गेट टू रीच 50th percentile, एंड आफ्टर दैट 50th percentile, विच इज एक्चुअली योर मीडियन, यू रीच 75th percentile, विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर थर्ड क्वार्टाइल और Q3. Q3 और Q1 का डिफरेंस विल गिव यू रेंज, एंड नेक्स्ट 25% विल गिव यू द लार्जेस्ट वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर नॉर्मल कर्व, एंड दैट इज योर 100th percentile. सो ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है आपको रिवाइज करने का. और इसी कर्व में से देखना कि किसी ना किसी तरीके से आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, चाहे वो मिडल वाला पूछे आपसे मीडियन के बारे में पूछे, चाहे रेंज के बारे में पूछे, चाहे वो आपसे Q1 और Q3 के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करवाए. सो योर करेक्ट आंसर इन दिस इज डी, मीडियन. आपको 50th percentile देखते ही समझ जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियन. क्वेश्चन नंबर 7. अ स्टोर प्रिंट्स अ रिक्वेस्ट ऑन ईच रिसीट asking the customer to fill out a satisfaction survey online if they are willing. What type of sample is it? Simple random sample, stratified random sample, cluster sample, or none of the above? ये जो sampling type questions होते हैं, जहाँ पे आपको types of sampling में से question आते हैं, these are very important, और आपको हर paper में ये question दिखेगा. तो इसलिए सारे के सारे samples ही discuss कर लेते हैं, different types of sampling. फर्स्ट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज वेरी बेसिक. आप इसके अंदर कुछ नहीं करते, पूरे के पूरे अपने पॉपुलेशन में से रैंडमली सैंपल को निकालते हैं. सो दिस इज योर नॉर्मल सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज योर स्टैटिफाइड सैम्पलिंग. स्टैटिफाइड या स्टैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स और ग्रुप्स. वेन यू आर डिवाइजिंग लेयर्स और ग्रुप फ्रॉम योर डेटा, तो आप कहते हो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम एज और आप ये देख रहे हो कि पर्टिकुलर जेंडर के ही लोगों को आप स्ट्रेटिफाई कर रहे हो, मेल या फीमेल, देन यू आर यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक्चुअली यू आर सिलेक्टिंग अ सीक्वेंस. आप पहली टर्म को एक रैंडमली तरीके से सिलेक्ट करते हो, जैसे आप सिंपल रैंडम में कर रहे थे कि एक पॉपुलेशन है और आपने रैंडमली कुछ भी उठाया. उसके बाद ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड ऑन देयर ओन, क्योंकि वो एक ऑर्डर में या सीक्वेंस में लगी हुई है. फॉर एग्जांपल, आप अल्फाबेटिकली कुछ चूज करते हो, फर्स्ट टर्म आप सारे अपने अल्फाबेट्स में से यू आर सिलेक्टिंग रैंडमली, और उससे आगे के अल्फाबेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन विच यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज योर क्लस्टर सैम्पलिंग, वेयर द टोटल पॉपुलेशन इज टू बी स्टडीड व्हेन इट इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ब्लॉक इन द लोकेलिटी. लोकेलिटी के जो ब्लॉक्स रहते हैं उसमें से आप उन ब्लॉक्स को क्लस्टर मान लीजिए, और उन क्लस्टर्स में से आप कुछ ड्रॉ करते हैं, ना कि रैंडमली पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से, इन्हीं ग्रुप्स में से या इन्हीं ब्लॉक ऑफ लोकेलिटी में से ही आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज योर क्लस्टर सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज योर कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग आपके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है, पर इसमें स्ट्रैटम द नंबर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज फिक्स्ड. आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको पहले से ही बता दिया कि आपको इतने ही स्टाटा डिवाइस करने हैं, तो आपको एक कोटा दे दिया पहले से ही कि इतना परसेंटेज आपको लेना है स्टैटिफाइड का. सो दिस इज योर कोटा सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज योर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग. वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग में होता है कि अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, दिस इज up to them, and if they are participating then they are part of the sample, if they are not participating voluntarily so they are not the part of the sample. So coming back to your question, question में पूछा हुआ है आपसे यही है कि ये जो लोग हैं ये खुद से ही choose कर रहे हैं, मतलब they are
if they are not willing, they won't be a participant of your sample. So your correct answer is D, because this kind of sampling is your voluntary response sample, which we have already discussed. So this completes your Stata ka jitna bhi questions the, and I have tried to conclude all the concepts right here. इससे आपके रिवीजन यहीं पे ही हो जाती है कि आपने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिया एंड यू आर रिवाइजिंग ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स राइट हियर. आपका एग्जाम एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे आ गया, आई नो, सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके सारे रिवीजन्स यहीं पे ही करवा पाऊँ. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मैक्रो, माइक्रो, इकोनॉमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. टोटल आपके 10 टॉपिक्स हैं जिसमें से हम ये 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, और मैं वन बाय वन ऑल्टरनेटेड बेस पे आपके ये भी बाकी जो बचे हुए हैं कवर करवा देती हूँ. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप इस एग्जाम को गिवन टाइमलाइन में ही क्रैक कर पाएँ. सो प्लीज़ लेट मी नो एनी डाउट दैट यू हैव इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उन डाउट्स को भी पिकअप कर लूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग.